हेलो एवरीवन क्लास ट्वेल्व के चैप्टर ट्वेल्व एटम्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है इस प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर में हमने देखा कि गाइगर और मास्डन का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया और उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड द्वारा दिए गए कंक्लूजन या इन्फरेंसेस क्या थे उनका पहला कंक्लूजन ये था कि एटम्स में पॉजिटिव चार्ज और लार्ज मास वाला न्यूक्लियस मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि न्यूक्लियस का साइज 10 रेस टू माइनस फिफ्टीन मीटर्स और 10 रेस टू माइनस फोर्टीन मीटर्स के बीच होता है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के टकराने के कारण अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं काइनेटिक थियोरी के अनुसार एटम का साइज लगभग टेन रेस टू माइनस मीटर्स या 10000 से 1 लाख टाइम न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी करीब 10000 से 1 लाख टाइम न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होगा इसलिए एटम में ज्यादातर स्पेस अनऑक्युपाइड है यही कारण है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल लगभग 99.86% तक के अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन के फॉइल के आर पार हो रहे थे एक गोल्ड एटम का न्यूक्लियस आल्फा पार्टिकल से करीब 50 टाइम्स भारी है इसलिए हम ये मान सकते हैं कि स्कैटरिंग के प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस स्थित या स्टेशनरी होता है आल्फा पार्टिकल मेटल फॉइल पे स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाहरी सतह से जाए तो आर पार हो जाता है अगर वो न्यूक्लियस के पास जाता है तो रिपल्शन के कुलम्ब फोर्स टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर उस अल्फा पार्टिकल का पाथ हाइपरबोला होता है इन सारे रिजल्ट्स की स्पष्टीकरण से रदरफोर्ड के प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम ने जन्म लिया इस प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम ने पुडिंग मॉडल की जगह ले ली और इस मॉडल के अनुसार एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में घूमते हैं ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स सोलार सिस्टम वाली ग्रेविटी का रोल प्ले करता है कुलम्स इनवर्स अनुसार न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच के रिपल्सिव फोर्स इनके बीच की डिस्टेंस से वेरी करती है ये आल्फा पार्टिकल की ट्राजेक्ट्री है यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि आल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस को असल में टच किए बिना ही अपना मोशन रिवर्स कर लेता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आल्फा पार्टिकल एक डबली आयोनाइज हीलियम है यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एटम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जर्स एक दूसरे से रिपेल करते हैं इसलिए जब आल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास आते हैं तो आल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो जाते हैं इन सारे अजम्पन के आधार पे रदरफोर्ड ने एंगल थीटा पे स्कैटर होने वाले आल्फा पार्टिकल्स का नंबर पता करने के लिए इस फॉर्मूले की स्थापना की यहाँ पे एंगल थीटा पर एन ऑफ थीटा जेड स्क्वेर अपॉन साइन रेस टू फोर ऑफ थीटा बाई टू इन ई स्वास्थ से प्रोपोर्शनल है यहाँ ई e जो है वो आल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी स्क् के बराबर है अब हम इतना जान गए हैं कि आल्फा पार्टिकल्स एक थिन मेटल की फॉइल पे इंसिडेंट होके न्यूक्लियस की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होते हैं आल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एंगल इम्पैक्ट पैरामीटर बी पर डिपेंड होती है ये इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एंगल थीटा और इस इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच का रिलेशन बताया वो था b z² e² e cot थीटा 2 4πε₀ e यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर बी जितना छोटा होगा स्कैटरिंग एंगल थीटा उतना ही बड़ा होगा अगर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा मतलब कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो वो 180 डिग्री पे स्कैटर होगा या ये कह सकते हैं कि वो अपनी इनिशियल पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा मैथमेटिकली इसको हम ऐसे कहेंगे अगर बी इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो कॉट थीटा अपॉन टू बनेगा या इससे हम थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जीरो लिख सकते हैं और हम ये जानते हैं कि किल टू नाइनटी डिग्री होगा इससे हम थीटा निकाल सकते हैं जो कि वन एटी डिग्री होगा और इस कंडीशन पे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के एकदम पास या क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट में होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच न्यूक्लियस के सेंटर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जहां से आल्फा पार्टिकल सीधे सीधे न्यूक्लियस के एकदम पास आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है कुलमजिला ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस आर से दूर हैं तो क्यू वन से इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू टू पर लगेगा और इस फोर्स का मैग्निट्यूड यू K इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होगा यहां पर K इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ सिलोन नॉट कॉन्स्टेंट है इसलिए F क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन फोर पाई एफ सिलोन नॉट आर स्क्वायर होगा अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं या लाइक चार्जेस हैं यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगी इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है जो कि Q1 Q2 क्यू टू अपॉन फोर पाई एफ नॉट आर के बराबर होती है यहां पर आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ze और अल्फा पार्टिकल का 2E होगा यहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस से आर नॉट के डिस्टेंस पे वन अपॉन फोर पाई एफसिलोन नॉट टू ई अपॉन आर नॉट इंटू जेड होगी यहाँ पर Q1 जो है वो 2e है जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है और Q2 जो है वो Ze है जो कि न्यूक्लियस का चार्ज है इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल रेस्ट पर होता है और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इसलिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी जिसको हम यहाँ ई e से डिनोट कर रहे हैं वो वन अपॉन फोर पाई एफसेल ऑन नॉट टू टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर नॉट हो जाती है और इससे हमें आर नॉट जो कि आल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मिल जाता है जो वन अपॉन फोर पाई एफसेल ऑन नॉट टू टाइम्स जेड ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई के बराबर है यहाँ पर आर नॉट काइनेटिक एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है तो आर नॉट आधा हो जाता है ओके okay. अब हम इस क्लास की बेस पे एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि इन रदर फोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दी नंबर ऑफ आल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज 5 इन टू टेन रेस टू सिक्स दी नंबर ऑफ आल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट वन डिग्री विल बी और ऑप्शन ये हैं तो इनके कहने का मतलब ये है कि रदर के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे 60 डिग्री पे और उनका नंबर था 5 इंटू टेन रेस टू सिक्स अब वो ये पता करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर एंगल स्कैटरिंग एंगल अगर 120 डिग्री होगा तो कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे और उन्हें ये ऑप्शन दिए हैं तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है गिवन है कि ऑफ़ थीटा इसको हम वन मान लेते हैं एन वन ऑफ थीटा इज इक्वल टू फाइव इन टू टेन रेस टू सिक्स ठीक है हमें पता यह करना है कि एन टू ऑफ थीटा क्या होगा अगर एंगल वन ट्वेंटी डिग्री होगा तो।, तो ये तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड का फॉर्मूला क्या है वो ने दिया था कि वो प्रोपोर्शनल है Z 4, e के और यहाँ पे ई e है पोटेंशियल एनर्जी तो ऑफ पता करने के लिए हम एन टू अपॉन थीटा बाई एन वन ऑफ थीटा कर सकते हैं तो हमें एन टू ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो ऐसा होगा यहाँ पे क्योंकि आल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस सेम चीज है दोनों एंगल पे एक्सपेरिमेंट तो एक ही है बस एंगल चेंज हो रहा है स्कैटरिंग का तो यहाँ पे बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा एन टू ऑफ थीटा अपॉन एन वन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन रेस टू फोर थीटा वन अपॉन टू बाई साइन रेस टू फोर थीटा टू अपॉन टू ये रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि यहां पे वन अपॉन डिवाइडेड बाई फिर से वन अपॉन है तो यहां पे रेसिप्रोकल हो जाता है तो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो तो ये बन जाएगा साइन रेस टू फोर सिक्सटी अपॉन टू होल डिवाइडेड बाई साइन रेस टू फोर थीटा टू की वैल्यू वन ट्वेंटी है इसीलिए वन ट्वेंटी अपॉन टू बन जाएगा तो दिस वन विल बी इक्वल टू साइन रेस टू फोर थर्टी डिग्री अपॉन को हमें पता करना है और एन वन को हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं और उसकी वैल्यू लिख लेंगे थर्टी की वैल्यू वन अपॉइंट टू है हाफ है तो इसको हाफ रेस टू फोर लिख लेंगे इन टू साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री अपॉइंट टू है मगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा टू बाई रूट थ्री बन जाएगा होल रेस टू फोर तो एन टू की वैल्यू हमें मिलेगी फाइव इन टेन रेस टू सिक्स इंटू वन अपॉन यहां पे ये टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे तो सिर्फ वन बचेगा यहां पे और यहां पे क्या बचेगा वन अपॉन नाइन सो एन टू की वैल्यू फाइनली फाइव अपॉन नाइन इंटू टेन रेस टू सिक्स होगी तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन ये है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट एनर्जी स्ट्राइक्स विद न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एट स्कैटरिंग एंगल वन एटी डिग्री द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू अपा पार्टिकल रीचेज द न्यूक्लियस विल बी क्लोजेस्ट टू और ये ऑप्शन है ये ये कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट की एनर्जी से यूरेनियम के न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर रहा है और उसका एंगल 180 डिग्री है मतलब कि वो स्कैटरिंग बैक स्कैटरिंग रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो अपना नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा तो हमने अभी इस क्लास में सीखा था कि एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अल्फा पार्टिकल की कनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फोर पाई एफ सिलो नॉट टू जेड ई स्क्न आर नॉट होती है यहाँ z यूरेनियम का अटामिक नंबर है तो उसकी वैल्यू 92 है और वन अपॉन फोर पाई एफ सिलो नॉट जो है इसके अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन आती है इस नंबर को हम याद कर लेंगे ताकि एग्जाम्स में हमारा थोड़ा टाइम बच जाए यहाँ पे फोर uh, और पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और इसकी वैल्यू वैल्यूट पॉइंट होती है ये पोटेंशियल तो एनर्जी इस पॉइंट पे जाके सेम होती है और एनर्जी तो दी गई है बट ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं और मेगा की वैल्यू टेनरेज टू सिक्स लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ओल्ड को जल में कन्वर्ट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइव इंटू टेन रेस टू सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स टेन रेस टू माइनस नाइनटीन जवल होगी और ये होगी वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट इंटू टू जेड स्क्वायर अपॉन आर नॉट के बराबर तो इसको हम सीधे सीधे नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन लिख रहे हैं इंटू टू इंटू जेड की वैल्यू थी नाइनटी टू इंटू E की वैल्यू है 1.6 टू होल स्क्वायर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई आर नॉट आर नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता वही हम पता करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू आर नॉट अगर मैं आर नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं तो ये ऐसे बनेगा 10 रेज टू 9 इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस नाइनटीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर हम नीचे ले आते हैं 5 into 10 raise to 6 into 1.6 into 10 raise टू minus 19 तो ये नंबर स्क्वायर वाले एक नंबर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 to 9.9 to into 10 raise टू minus 16 मिलेगा ऑप्शंस में तो 10 raise टू minus 16 कहीं पर भी नहीं है तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसको सबसे लोएस्ट वाले नंबर पे लेके जाएं तो ये होगा जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर जो कि जीरोल्व सेंटीमीटर के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली और ऑप्शन में सिर्फ ऑर्डर पूछा गया है तो ये हमारा जो आंसर आया है वो टेन रेज टू माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर के ऑर्डर का है तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा इस लेक्चर का डी आई वाई क्वेश्चन है इन द रदर एक्सपेरिमेंट आल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियस शोन आउट ऑफ द फोर पाथ नॉट पॉसिबल ये ऑप्शन दिए गए हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से स्कैटर हो रहे हैं यहाँ चार पाथ दी गई हैं, जिसमें से एक गलत पाथ है जो पॉसिबल नहीं है आपको ये बताना है कि वो कौन सी है डी बी सी या ए आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ओके देन इस लेक्चर में इतना ही अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए थैंक यू बाय